और मुझे अब ऐसा महसूस होने लगा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी भाजपा द्वारा प्रायोजित हैं। यह हमें कुछ समझ में नहीं आती। हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी से बहुत विनम्रता के साथ अनुरोध कर रहे हैं, वो मुझसे उम्र में बड़े हैं, सीनियर हैं। ये चाबी कहां से घूम रही है? ये चाबी कितनी ऐठी, कब ऐठी जाती, कहां से ऐठी जाती है? हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बद इंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के महासचिव और अपने विवादित बयान के कारण सुर्खियों में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर हिंदू विवाद को हवा देने का काम किया है, जिसके बयान के बाद अब विपक्ष के नेता ही नहीं बल्कि खुद की पार्टी में रार मचती देखी जा रही है। पूर्व मंत्री और सपा प्रवक्ता तेज नारायण पांडे से जब पत्रकार साथियों ने सवाल किया तो वो स्वामी प्रसाद पर बिखर गए। यही नहीं, उन्होंने बीजेपी को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि मुझे लग रहा है कि स्वामी प्रसाद बीजेपी के कहने पर इस तरह की बात कह रहे हैं। अगर हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी से आप लोगों के माध्यम से सवाल कर लें कि 5 साल जब आप भारतीय जनता पार्टी में मलाई काट रहे थे, लाल बत्ती में चल रहे थे, तो ये सारा ज्ञान कहाँ चला गया था? ये जो ज्ञान आज बघार रहे हैं, ये जो बड़ा बड़ा ज्ञान आज जो है टीवी चैनल और माइक पे दे रहे हैं, वो ज्ञान 5 साल पहले कहाँ था? जब ये भाजपा में मंत्री थे तब उस ज्ञान का ये बखान नहीं कर पाते थे, वो ज्ञान माइक पर उलेड़ नहीं पाते थे, और आज जब भाजपा से अलग हो गए तो ज्ञान बांट रहे हैं। तो वो ज्ञान अगर इन्होंने भाजपा में रहते हुए बांटा होता तो मैं मानता कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ईमानदार हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी सच बोल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी केवल ड्रामा कर रहे हैं सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए, कि लोग जाने कोई स्वामी प्रसाद मौर्य टाइप का चीज है, इसीलिए सब ड्रामा है, वरना लोग उनको भूल गए, कुछ बचाव चा नहीं उनके पास। जी, क्या लगता है भाजपा के सारे पे काम कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? ये बहुत बड़ी बात आपने कही। हम अपने मीडिया के भाइयों आपसे निवेदन करेंगे, इसकी आप जांच करिए कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य ये बयान दे रहे हैं इसका डीएनए कहां है? ये जो भाषणों बयान ये दे रहे हैं इस समय, ये चाबी कहां से घूम रही है? ये चाबी कितनी ऐठी, कब ऐठी जाती, कहां से ऐठी जाती है जो ये रेडियो की तरह बजने लगते हैं? ये बहुत बड़ा जांच का मुद्दा है, और इसकी जांच हो जाए अगर तो समझ में आ जाएगा ये पूरी भारतीय जनता पार्टी के कहने पर ही स्वामी प्रसाद मौर्य जी सब बयान दे रहे हैं। यही नहीं, सपा प्रवक्ता ने स्वामी प्रसाद मौर्य को नसीहत देते हुए कहा कि उनकी बेटी एक तरफ सनातन का झंडा उठाए हुए है जो पोस्ट लगाती है सभी देवी देवताओं के लिए, और स्वामी प्रसाद 24 घंटे हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान देते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद को अगर धर्म से नफरत है तो वो पहले अपनी बेटी को सुधारें। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनकी बेटी एक तरफ सनातन का झंडा उठाए हुए है, भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, वो पोस्ट लगाती हैं पूरे सभी देवी देवताओं के लिए, और पिताजी 24 घंटा विरोध करते हैं, तो ये जो केमिस्ट्री है पिता पुत्री की, ये हमें कुछ समझ में नहीं आती। हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी से बहुत विनम्रता के साथ अनुरोध कर रहे हैं, वो मुझसे उम्र में बड़े हैं, सीनियर हैं, हम उनसे आदर के साथ विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, अगर आपको इतना देवी देवताओं से नफरत है, अगर आपको इतना धर्म से नफरत है, अगर आपको इतना इन सारी चीज़ों से नफरत है, तो पहले अपनी बेटी को सुधारिए। आदमी का कर्तव्य होता है पहले घर सुधारना, पहले अपने बच्चों को सुधारिए, अपने परिवार को सुधारिए, फिर आप समाज पर ध्यान दीजिए। जो आदमी अपने परिवार को ही ना सुधार पा रहा हो और आप समाज को शिक्षा देते हैं, या तो आप कहिए कि आपकी बेटी से आपका रिश्ता नहीं है, आपके घर में जन्मदिन होगा तो आपकी बेटी के साथ आपकी फ़ोटो आती है, पारिवारिक कार्यक्रमों में पिता पुत्री एक साथ दिखाई पड़ते हैं पूरा आंदोलन करते हुए, तो ये सब नहीं चलेगा। ये डबल जो आप डबल गेम खेल रहे हैं, एक तरफ अपनी बेटी को भाजपा का सांसद बना रखा है, अभी तक क्यों नहीं भाजपा से इस्तीफा दिला दिया? क्यों नहीं आपकी बेटी आपके साथ मुखर होकर के बोलती सारी बातों को? आपने अब कैसी शिक्षा दी है अपनी बेटी को कि बेटी जो है हनुमान चालीसा पढ़ रही है और पिताजी 24 घंटा उल्टा सीधा बयानबाजी कर रहे हैं?
आपको बता दें कि बीते सोमवार को राजधानी दिल्ली में स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि हिंदू धर्म एक धोखा है। वैसे भी 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा है कि एक नहीं दो दो बार कहा कि हिंदू नाम को कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों का जीवन जीने की एक कला है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अयोध्या से संजीव आजाद की रिपोर्ट।